सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइज, अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठ गए हैं, तो अभी करेंगे नाश्ता, उसके बाद नहाएंगे, फिर करेंगे रैंक पुश, ठीक है। और आज के पूरे व्लॉग में मैं शायद थोड़ा सा कम आपको दिखूंगा, मतलब मैं कम फीचर होऊंगा, वही दोनों ज़्यादातर ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि आज पूरे दिन रैंक पुश करनी है तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हाँ, रात को अगर मैं कहीं निकला तो मैं उसको कैप्चर कर लूँगा। मैंने उन दोनों को बोला है कि अपने घर से रिकॉर्ड करते हुए आए, ठीक है, तो शायद इसके बाद की क्लिप्स उन सबकी होंगी, मतलब उन दोनों की होंगी, तो मैंने उन दोनों को बोला है। तो आज पूरा दिन मैं तो घर पर रहने वाला हूँ, ये लोग घूमने जाएंगे, तो यही लोग तुम्हें ब्लॉग में ज़्यादा देखेंगे। तो आई होप करता हूँ आज के ब्लॉग को आप इन्जॉय करोगे, इन दोनों की कॉमेडी भी इन्जॉय करोगे, जो भी ये पूरे दिन में करते हैं, ठीक है। मेरे को नहीं पता क्या करते हैं, ठीक है। अभी अपन पहले से फटाफट नाश्ता मंगा लेते हैं, नाश्ता खाते हैं, फिर जैसे ये लोग आते हैं, जब तक अभी तो 1:30 हो रहा है और 2 बजे से रैंक पुश है, तो आधे घंटे मेरे को नहाना धोना सब कुछ करना है, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं आज के ब्लॉग में, बढ़िया करते हैं आज के ब्लॉग। काम हो तो भाई ऐसा हो, ब्रश भी करो, मुंह भी धो लो, फोन भी चला लो, बात भी कर लो, इधर भी घूम लो, उधर भी घूम लो, नाश्ता भी कर लो, नहा लो, धो लो, शैम्पू कर लो, सब कुछ कर लो, और मीटिंग भी कर लो, है काम करते करते सारे काम करते रहो, ये सही है यार। लोग बाग इधर उधर जाते हैं, धक्के खाते, फिर जाके महीने में सैलरी आती है। एक प्रमोशन मार के आ जाओ, एक मीटिंग मार के आ जाओ, खत्म काम। मेहनत करो गाइस, तुम सब मेहनत करो, रात को सो मत, दिन रात मेहनत करते रहो, तुम भी लगे रहो। जॉब वालों का भाई कम से कम आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठ के तो नाश्ता होता है, साले हम तेरा कहाँ ऊपर छत पे बैठ के हो रहा है क्या? मेरे ये डाइनिंग टेबल है, कुछ भी है तो नाश्ता, क्या नाश्ता है? कोई नाश्ता नहीं है, चैन का नाश्ता नाश्ता होता है, ये कोई चैन का नाश्ता नहीं है। अबे तो रात को तो हमेशा खाना चैन का ही होता है। चैन का नहीं होता, रात को भी खाना 3-3 बजे रात का चैन का खाना है अच्छी, कभी किसी आर्मी वाले बंदे पुलिस। अबे भाई ये नहीं दिखाना, दिखाना वो है जो बंदे लगे हाँ भाई क्या मजे ले रहा है, असली दिखा दे तो फिर कोई भी नहीं करेगा मेहनत। बात असली आता है गाइस, ये मानो हमारी लाइफ भी स्ट्रगल भरी है। अरे बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है भाई, ना रात को सोने को मिलता, फिजिकली पूरे रेस्ट में रहोगे हमारी लाइफ में, मेंटली कभी रेस्ट नहीं मिल सकता, गारंटी ले लो मेरे से। कोई एक यूट्यूबर कह दे कि मैं मेंटली रेस्ट पे हूँ, मान जाऊंगा उसे। अबे 3-3 रात नहीं सोते बंदे जो यूट्यूबर होता है, 3-3 रात नहीं सोता, जो वाला तो एक बार को सो भी जाता है, रात को आके अपने घर पे तसल्ली से खाना खा के। अबे मतलब कर क्या रहे हैं फ्री फायर में? ये नई नई चीजें जो आने वाली है फ्री फायर में उसके बारे में बता रहे हैं। ये बताने का क्या फायदा, नई चीजें छोड़ो, बोलो कि फ्री फायर को लेकर आओ, नई चीजें बाद में देना। ये आ रहा गाइस, देखो दिख रहा तुम्हें दूर से, देख लो। अच्छा पहले तुम सब जितने भी क्रिएटर होते सबको दिख जाते हैं जो चीज आने वाली। अबे ये तो वैलोरेंट की गन है प्रॉपर, पूरी की पूरी सेम, उसमें भी यही थी, मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर जो 3 वे निकाल रखे हैं ना इन्होंने, उसमें नहीं है ये भाई। ये तो वैलोरेंट की कॉपी थी पूरी गन, बस 3 जो ऊपर की वो है ना वो नहीं है वैलोरेंट में, बाकी पूरी कॉपी है ये गन। कह रहे क्या कह रहे? कह रहे चलेगा चलेगा ये क्या लिख दिया, जय श्री राम, बैड बिग बॉय, बैड बिग बॉय तेरे। अगर तुम बोलो तो कुछ चेंज करवाना तो हो जाता वो भी चेंज। सही है यार, जैसे तुमने बोला है ये चक्कू का आगे का ये है, ये बहुत चौड़ा है, तो थोड़ा सा छोटा कर दो, हो जाएगा ये भी ऐसे? नहीं तो साइट है, साइट ऐसे ही होता है। अच्छा नहीं, अगर तुम 5-6 यूट्यूबर बोलो भाई थोड़ा सा छोटा कर दो, एक भी बोलेगा तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। सही है यार, ये तो जुगाड़, तो साले पार्टनर वो है हम यूट्यूबर गाइस। ये तो स्ट्रीम करने बैठ गया और यार हमें पता नहीं हम क्या करेंगे, हम ये तो पूरा दिन शायद स्ट्रीमिंग करेगा, कब तक करेगा तू स्ट्रीम? 8-9 बजे तक, अभी तो 2 ही बजे यार भाई साहब, करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 6-7 घंटे स्ट्रीम करेगा, हम क्या करेंगे यार 6-7 घंटे तक भाई? तुम घूम कर आओ ना, बाहर घूम कर। अबे भाई साहब चल भाई, करेंगे कुछ तो करेंगे आज, तड़कता भड़कता मैं तो और कहीं चला जाऊंगा भाई, मोटे वोटे को छोड़ के। इधर से मोटा आ रहा है, मोटे को डराऊंगा अभी, देखना मोटे को पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, शायद देखना ले मोटा मुझे। आजा आजा, कहाँ है कहाँ है, आजा जा, कितनी देर में आएगा? मोटा आ रहा है, मोटे को डराना आज मुझे, पता नहीं है मोटे कि अबे कहाँ गया, कहाँ मरी है मोटे, देख ले तो वो खड़ा हो गए। अबे कहाँ गया, अबे मोटा तो बहन का टका अपने घर के पास चले गया, मुझे लगा इधर आएगा मोटा तो चले गया। मोटे इधर आ, चल चल ना, गया ना, गया आजा ना, गया आजा। अबे यार मुझे लगा मैं मोटे को डराऊंगा, पर मोटा तो साला उस तरफ मुड़ गया, मुड़ना इधर था मगर मुड़ उधर गया अपने घर की तरफ, मुझे लगा इधर आएगा, इधर इस तरफ आएगा मोटा उधर मुड़ गया, खुरपा इसकी बहन की। कोई नहीं, आगे डराएंगे फिर कभी डराएंगे। अंकल तो यहीं है, मैं तो वो कर रहा था, अंकल तो इधर ही मिल गए, चलो ऊपर चलते पहले उसके पास,
क्या कर रहा है वो, क्या नहीं। अंकल नमस्ते, ठीक हो? अंकल तो ठीक ही है, मौसम भी तकड़ा हो रहा है। हाँ भाई ईसु, अबे लेटा है, सो रहा है, क्या कर रहा है? गेट खोल, बच गया आज, मोटा बच गया, नहीं तो आज तो गया ही था मोटा। अबे पता नंगा बैठा। आंटी नमस्ते, पता मोटा ना उधर से आ रहा था। अबे नहीं ले रहा, मोटा उस तरफ से आ रहा था, उधर से आ रहा, बंटा पी रहा उसकी दुकान पे। मैंने सोचा कि मोटे तुझे डराता हूँ मैंने सोचा मोटे तो डराता हूँ, मोटा इधर तो मोड़ा नहीं, उस तरफ मुड़ गया अपने घर की तरफ। फिर मैंने मैंने बोला यार मोटे, आवाज लगाया, हाँ कहा मोटे, कह रहा नहाने जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ थोड़ी सी देर में। फिर इधर ऊपर आया, ऊपर अंकल मिल गए, अंकल को नमस्ते करी, अंकल से बात करी। कौन से अंकल से? अपने अंकल से, कौन से अंकल होते अपने? कौन से अंकल? ये वाले अंकल बात कर रहा है। और अब हम खा रहे हैं क्या, छल्ली भुट्टा खा रहे हैं। और रोमियो स्ट्रीम कर रहा है, वो आया नहीं अभी, देखते हैं अभी आएगा थोड़ी बहुत देर में। नहीं आएगा वो? नहीं आएगा, मुझे लगता नहीं, जिस दिन करता है ना। ओ हाँ, आज उसकी रैंक पुश है। और यहाँ कल कह रहा था भाई रैंक पुश है, तो मैं मुश्किल ही आऊंगा। मजा आ गया कल, हम दोनों को ही बना था, मस्त लग रहा है। रोज आया। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कहीं ऐसी, मतलब आज यार बिल्कुल हॉलीडे टाइम हो गया, एकदम बिल्कुल खाली है दिन, कुछ है नहीं करने को। नहीं मेरा बहुत बिजी दिन है, मैं जाऊंगा भाई। स्कूटी पे घूम रहे हैं, कहाँ जाएगा तू? रोला ही है इनका भाई, रोला है इनका। और एयरपोर्ट जाने वाला हूँ, एयरपोर्ट जा सकता हूँ, एयरपोर्ट जाएगा। नहीं तो मैं उस बंदे को बोलूंगा यही आ जाते रास्ते में, यार बहुत दूर जाना पड़ता है, एयरपोर्ट ले दो। अभी बहुत देर सोचने के बाद यार अपने सोचा, अब चलो टी शर्ट विशर्ट लिया है, मेरे को टी शर्ट लेनी थी थोड़ी। और रोमियो अपना रैंक पुश वगैरह कर रहा है, क्या करना तो रोमियो का चेहरा। और वसील वसील भाई कह रहा है कि चला मेरा जानकार है, वो वहाँ से टी शर्ट विशर्ट लेके आते हैं, तो अभी तुम्हें दिखाते हैं कैसे टी शर्ट विशर्ट भाई पसंद कराता है। वो आज ये कह रहा है कि मैं मोटे तुझे को पसंद कराऊंगा। मैंने कहा भाई ठीक है, वसील कराएगा आज अपने को टी शर्ट पसंद, फिर आप देख के बताना कैसे लगे। इसे मार्केट में लंड पसंद करवाऊंगा, लंड लेगा यहाँ पे मार्केट में। बहन कर मेरा लुटला पसंद आ गया है, जो सही है गाइस। और यार मार्केट वार्केट सच चुकी है भाई, बढ़िया एकदम बस भाई, कपड़े वपड़े मस्त एकदम, तो मार्केट में लिया है यार, बढ़िया एकदम, कपड़े वपड़े बहुत सारे मिल रहे हैं, तो देखते हैं कौन से टी शर्ट विशर्ट। मैं तो टी शर्ट ही लूँगा, हाफ में टी शर्ट लूँगा यार, अच्छी लगेगी ना, बताना देख के। तो गाइस आ चुके हैं हम भाई वसील भाई की जानने वाले की दुकान पे, वसील भाई की बहन की लंड है भाई की दुकान है। भाई क्या हाल है भाई, तुम भी यहाँ पे हो गया? नहीं कुछ नहीं यार, फ्रैक्चर हो गया था थोड़ा। आजा, क्या तो भाई टी शर्ट दिखा दे भाई, गाइस टी शर्ट लेने आए हैं, टी शर्ट टी शर्ट देखने हैं। अरे ये भाई भी अपना बंदा है, क्या हाल है दोस्त, कितनी बार आदमी आएगा भाई, दिखाओ टी शर्ट, दिखाओ भाई टी शर्ट, दिखाऊंगा तगड़ी सी। पहले भाई से पूछो, वसील भाई सेल पर्सन बन चुके हैं, जींस वो लड़का दिखाएगा। वसील भाई की दुकान है, टी शर्ट का रखी है मैं, भाई को अपनी दुकान का ही सामान नहीं पता वसील को बहन जो दुकान ये सामान ही नहीं पता अपनी दुकान का। अरे यार क्या क्या सेल्स पर्सन बनेगा रे तू, क्या सेल्स पर्सन बनेगा रे तू, पक्का माधव स्टोर बना। देखो बहन चुप, क्या दिखा रहा है, चले तगड़ी टी शर्ट है ये भाई, ये नहीं कचरा वचरा बंद नहीं चाहिए यार, ये शाइनिंग वाइनिंग पसंद नहीं है। निकालना बढ़िया सी आइटम निकाल, कोई कॉलर टी शर्ट निकाल, ये नहीं पता ना कर, ये बेइज्जती मत करवा तू गाइस, अपनी दुकान का सामान नहीं पता इसका भाई कह रहा बहन, तू कहा था तुझे तभी तो पता लगेगा, पन्नी में से निकालूंगा। देखो गाइस कितना, देखो मतलब अपनी दुकान पे कह रहा पन्नी से नहीं निकालूंगा, और दूसरों के यहाँ जाता है तो उनका सामान और उनकी मशीनें तक तोड़ देता है, जूते भी गिरा के आ जाता है, आज अपनी दुकान नहीं।
हाँ यार वो दिखा यार, हाँ व्हाइट में ही दिखा यार कुछ, ले ले बैन के ना ले ले यही, ये लो दिखा चल यही दे दे, और एक ब्लू में दे दे, कोई ब्लू दिखा दे, ब्लू टी शर्ट कॉलर में दियो ब्लू पर। इस दल्ले को लंड का कुछ नहीं पता, बातें चोता है 50 रुपए की, पता इसे 5 रुपए का नहीं है। ये दो हो गए गाइस, इसके लिए बैन के लिए 4XL है, 4XL नहीं भाई, 4XL डबल एक्सल, डबल एक्सल सांड को देखो, 4XL आती है, डबल एक्सल आता खाली सांड को, 4XL मतलब एक एक एक्सल होता है, फिर डबल एक्सल होता है, फिर 3XL होता है, फिर 4XL होता है, ये इसको वो आती है। अच्छा इस व्लॉग का टाइटल होगा वसील द सेल्समैन। तो गाइस अब मेरा सामान वान, हमने टी शर्ट वी शर्ट ले लिया, मतलब भाई बन्नी में डाल रहा है, और ये भाई की ये शॉप है, यहाँ आना तुम्हें मलिक गारमेंट्स सुंदर नगरी। बस अब तो आगे आप समझ जाओगे, हम मिट्ठू अपनी दुकान का प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ चल ठीक है भाई, हाँ चल रहे ना, फिर यही रहेगा क्या? नहीं यहाँ क्या करूँगा, चलो चलो चल रहे हैं गाइस, अब कपड़े वपड़े ले लिए, देखते हैं थोड़ी देर में क्या करेंगे। देखो गाइस बहन चोद अच्छी खासी रोड की मार चोद दी इन्होंने खोद खोद के, बहन की लोड़ी मोटे मेरी पास सुन पहले तो तू क्या हो गया भाई। हाँ तो मैंने फ्लो फ्लो में कह दिया दुकान पे कि भाई तू पैसे मत दे, पर पैसे बता कब देगा बहन के लिए। मैं भाई तू कह रहा था गिफ्ट दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, मैंने भाई इसने कहा था मेरे को, तो भाई पहले बोल देता ना टी शर्ट तूने कहा था अपनी दुकान से दिला रहा हूँ मैं टी शर्ट। अबे तो मैंने तो ये दिलाया था ना कि अपनी दुकान से दिला रहा हूँ कि तू पैसे देगा, बहन के लड़ने बेच रहा, एक बार भी ये नहीं कहा कि पैसे ले ले बस। तो भाई मेरे पे पैसे होते तो मैं तुझे बोलता ही क्यों, मैंने तेरी दुकान पे इज्जत रखी भाई, मैंने इस बंदे की इज्जत रखी। गाइस इसको बोलो पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए आप बता देना मेरे को, मैं दे दूंगा, देगा देगा क्योंकि बहन के लड़ने। गाइस अगर कमेंट में बोलेंगे हां भाई वसीम भाई, मैंने देखना गाइस मैंने इस बैंड के लड़की वहाँ इज्जत रखी दुकान पे, इससे पैसे नहीं मांगे, पर इससे झूठे मुंह से एक बार भी ये नहीं बोला गया कि कितने रुपए के हुए कपड़े, एक बार भी नहीं बोला गया, एक बार मैंने पूछा था भाई भाई कह रहा है भाई अपना भाई है, तूने ये नहीं कहा वहाँ पे बढ़ाई दिखाने के लिए, अरे हाँ तो बढ़ाई दिखाने के लिए मैंने बोल दिया, तूने कहा अभी तो हफ्ता ना पैसे, तो पैसे तो बता दूंगा ना, चल रहे ब्लॉग में कहेगा क्या भाई। हाँ भाई बैन की लोड़ी यहाँ क्या करने आया? अरे मैं मिलने आया हूँ किसी से, अपने दोस्त से यार, दोस्त आ रहा मेरा उससे मिलने आया हूँ मैं। कहाँ से आ रहा तेरा दोस्त? मेरा दोस्त जरूरी है क्या की लड़ी बैंड की पूछ दोस्त यार, देखो मैं एक चीज दिखो भाई, क्या दिखा रहा? जो ये पेड़ होता है ना कमेंट में बताना किस चीज का पेड़ होता है, मुझे तो पता है किस चीज का पेड़ होता है, पर तुम ही बताना, मैं बता दो तो ज्यादातर ना ये पेड़ लड़कियों के लिए यूज होता है। लड़कियों के लिए यूज होता है, वहाँ कहना क्या चाहता है तू? ये लड़कियों के लिए यूज होता है, देखो भाई यार लड़की कैसे करके, हाँ वही है जो मैं सोच रहा हूँ, कमेंट बताना किस चीज़ का। आई थिंक मैं बताऊं? हाँ बता चल। ये मेहंदी का पेड़ है। बहन के लड़ने मैंने तुझे पहले ही बताया। ये गाइस मेहंदी का पेड़। बहन की चूत। पता ये ना ऐसे करके और ये बैंड सील बट्टा नहीं होता जो घरों में होता है जिस पे मसाला बनाते हैं उस पे इसे रगड़ के पूरा पीस के। देख यार लंगूरों की फोटो लगा रखी है बहन की लोड़ी। भाई बंदर का वो बना रखा है, इसलिए बना रखा है बंदर के, यहाँ बंदर रहते बहुत ज्यादा। अरे लंड बहन जो बंदर आ जाते हैं यहाँ पे वो दम मचाने। लो भाई गाड़ी वाड़ी देखो यार, लंगूर वंगूर दिख रहे हैं। मोटे तू क्या कर रहे हैं यहाँ? बहन के लौड़ा बकचोदी। मोटे देखो क्या कर रहे हैं, मोटे क्या है ये क्या कर रहा है तू? मुंह खोल के भोसड़ी का तेरा दोस्त है। ऐसे करके मुंह खोलना, अब मुंह खोलिए एक बार, खोल दो ऐसे नहीं। अब तेरी मां की चूत रंडी है। तो गाइस हम आ गए हैं भाई वसील भाई के किसी जानने वाले को लेने, तो ये भाई यहाँ खड़े हैं ब्रिज के ऊपर, इंतजार कर रहा हूं यार मैं। भाई वेट ही कर रहे हैं यार बहुत देर से यार वसील, तूने अच्छा लग रहा है देखना, पीछे का व्यू गांड लगवा दी तूने यार वैन से, टाइम लगवा दी व्यू देखने में कितना। हां मैं भाई यही खड़े लग रहा है कि बोर हो रहे हैं माल का सारा भाई, थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम मूवी में देखते हैं बार बार का जो सीन होता है। हमारा मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे खड़े हुए हैं यार बहुत देर से, इसका कोई भाई आ रहा है मतलब कश्मीर से, तो देखते हैं अभी अपन जाते हैं भाई को लेने इनके। और यार यहाँ पे हम ऊपर खड़े हैं, ट्रैफिक लग चुका है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, ये देखो ट्रैफिक बहुत है यार यहाँ पे, और भाई पोज दे रहा है अपना भाई। ये चल बे अब काम कर अपना। ये बकचोद है कितना बड़ा यार, फोन करना होने कितनी देर में आ रहे हैं यार। तो गाइस फाइनली भाई वसील के जानने वाले आ चुके हैं, भाई ये भाई हैं और वसील के भाई लगते हैं रिलेटिव में, भाई कश्मीर से आए हैं। क्या नाम है भाई आपका? बसारत भाई। भाई कश्मीर से आए अपने और अभी जाएंगे कतर, है ना? कतर जाएंगे भाई, कतर जाएंगे, हम इनको लेने गए थे और लुंगिया ताड़ में भाई देख लो गाइस
के भाई हैं, तमीज नहीं है साला, बड़ा ही बदतमीज है माधव। एक तो होती है रसियन, एक होती है रसियन, एक होती है कतरन। कतरन ये कतर देंगे कतरन को। चलो कैसी कैसी होती है ये, एकदम चुम्मा शॉट है। चलो भाई, सो गाइस अभी स्ट्रीम वगैरह करके हट चुके थे, ठीक है, मतलब रैंक पुश करके हट चुके थे। अब मम्मी तो सो गई हैं क्योंकि आज करवा चौथ था। अब मैंने मंगाया कुछ खाने के लिए बाहर से पिज़्ज़ा, तो जैसे ही वो आता है फिर खाऊंगा, सो जाऊंगा। तो आज का व्लॉग में मैं नहीं था ज़्यादा, ठीक है। आई होप करता हूँ आपको इन लोगों का भी मतलब पसंद आया हो पूरे दिन का जो भी इन्होंने करा। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सभी को गाइस बाय बाय, लव यू ऑल यार, बाय बाय सभी को।